हेलो माय डियर्स, मैं हूं निजाम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RCT अगेन। आज मैं आप सबके लिए CCC चैप्टर नंबर 9 से कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा VPN, एंटीवायरस, वायरस फिशिंग्स और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्पैम। ये पांच चीज़ क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले वायरस जो होता है, वायरस क्या होता है कि एक मालवेयर है। मालवेयर एक वायरस का नाम है जो हमारे कंप्यूटर में बनी हुई फाइलों को करप्ट करता है या फिर डिलीट कर देता है या उसे एडिट कर देता है और हमारे कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशन हैं या सॉफ्टवेयर हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए स्पेशल वायरस का आविष्कार हुआ है, यानी डिज़ाइन किया गया है। अब वायरस का इस्तेमाल कौन करता है? वायरस का इस्तेमाल हैकर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हैकर्स क्या करते हैं, एक वायरस बना के और दूसरे के कंप्यूटर में इंटर करते हैं और उसे इंटर करने के बाद में उसी के मदद से आपके फाइल को, आपके डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वायरस टॉपिक डिक्लेयर होगा। वायरस के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि आपका वायरस होता है रैमसवेयर और आपका टॉर्जन होता है, वॉर्म्स होता है और बॉटनेट, ये सारे वायरस हैं। तो जैसे रैमसवेयर वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर पर आप ही को आपके बिना परमिशन के आपके कंप्यूटर में एंटर करने की कोशिश करता है और आप ही के फाइल को आपसे ओपन करने के लिए रोकता है। और जैसे आपको फाइल दोबारा रिक्रिएट करने के लिए बोलेगा, जैसे रिक्रिएट करते हैं आप तो दोबारा आपसे पैसे चार्ज करने की लिए कोशिश करता है। तो ऐसे रैमसवेयर होते हैं, ऐसे टॉर्जन होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, इस तरीके के चार पाँच टाइप के वायरस हैं। और भी बहुत सारे वायरस नए नए डेवलप होते चले जा रहे हैं, तो आप टाइप्स ऑफ वायरस गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे वायरस के बारे में डीप नॉलेज मिलेगी। मैं वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए मैं एंटीवायरस को बताता हूँ। एंटीवायरस देखिए क्या होता है। एंटीवायरस जो है आपका, वो वायरस को नष्ट करने के लिए स्पेशल बनाया गया, यानी एंटीवायरस का काम होता है कि आपके कंप्यूटर या आपके फाइल में या आपके एप्लीकेशन में जाके उस वायरस को ढूंढ के पकड़ के डिलीट करना या फिर एडिट करना या उसे फिनिश करने का काम करता है, उसको कहते हैं एंटीवायरस। अब एंटीवायरस बहुत सारे होते हैं, एंटीविड, नेटगेयर और उसके बाद में आपका K7, क्विक हील, ये सारे एंटीवायरस के नाम हैं और ये सारे क्या करते हैं, वायरस को मिटाने का काम करते हैं। तो एंटीवायरस और वायरस, आई होप आपको डिक्लेयर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं फिशिंग का। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक हैकर द्वारा हाथ से तैयार किया जाने वाला एक मेल का नाम है, यानी हैकर द्वारा एक मेल हाथ से तैयार किया था और आपके व्हाट्सएप पे, आपके मोबाइल पे इस तरीके से भेज देते कि देखिए आपके पास आपके व्हाट्सएप में आएगा लिंक कि आपका लकी ड्रा जो है निकला है और आप सोचेंगे कि लकी ड्रा में हम विजय हो गए हैं और आपको 10,000 रुपये कैशबैक आ रहा है। तो जैसे ही आप लकी ड्रा पर क्लिक करते हैं, अगर आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ गोपनीय डेटा मांगता है, यानी कॉन्फिडेंशियल डेटा मांगता है। कॉन्फिडेंशियल डेटा क्या होता है? जैसे आपका बैंक खाता, पासबुक और नेट बैंकिंग का आईडिया, पासवर्ड या OTP, ऐसे कुछ चीज़ें आपसे बाय कॉल से भी मांग सकते हैं, तो इसको फिशिंग कहते हैं। अगर बाय कॉल से या बाय ईमेल या बाय मैसेज से अगर आपसे कोई डिटेल, कोई गोपनीय डेटा यानी कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा मांगा जाए तो उसको फिशिंग कहते हैं। आप इस टॉपिक को नोट कर लें, फिशिंग क्या होती है, क्लियरली समझ में आ गया होगा। स्पैम, आजकल बहुत सारी स्पैम कॉल आती रहती है आपके पास, जंक ईमेल, जैसे आपके मेल पे, जैसे आपने ईमेल आईडी बनाया और आपने किसी को बताया भी नहीं, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ईमेल पहले से आ गए। आप सोचो कि अभी तो मैंने जस्ट ईमेल आईडी क्रिएट किया, अभी ये ईमेल मेरे अलावा कोई तीसरा पर्सन जानता ही नहीं है, उसके बाद भी ये हमारे पास इतने सारे ईमेल कैसे आ गए? तो वो होता है जंक ईमेल। ये भी हैकर द्वारा तैयार किए जाते हैं, फालतू के मेल भेज के आपके आपको मतलब जो है परेशान करने की कोशिश की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने घर के अंदर हैं और घर के अंदर डोर बंद किए हुए हैं, तो अगर कोई इंटर करेगा, आपको बेल बटन दबाएगा तो आप सोचेंगे कोई भी होगा, आप जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो वो बंदा इंटर कर सकता है। ठीक उसी तरीके से स्पैमिंग होती है और फिशिंग भी इसी तरीके से होती है कि आपको एक मैसेज, एक लिंक आपको भेजा जाता है, उसमें आपको लकी ड्रॉ या विजेता या किस तरीके से आपको कोई एक मैसेज भेजते हैं जिससे कि आप लालच में आकर उस पर जैसे ही टच करते हैं, यानी आप उसको परमिशन देते हैं, जैसे कि आप अपने डोर को खोल लेते हैं और उसी तरीके से आप इंटर करते हैं। इसीलिए देखा होगा आजकल डोर पर छोटा सा कैमरा टाइप से लगा होता है कि आप वहीं से देख लो कि कौन सा व्यक्ति बाहर खड़ा है। तो इस तरीके से सेम एज फिशिंग और स्पैमिंग कॉल से आप बचिए। तो नेक्स्ट आपका VPN। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये इतना खतरनाक चीज़ है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐप्स के माध्यम से आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब VPN एक नेटवर्क का नाम है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपको किसी भी जगह इंटरनेट की मदद लेके आपको गुमनाम रहने की अनुमति देता है। गुमनाम रहने की यानी हमारा कोई नाम ही नहीं, मान लो हम लंदन में चले गए ना और हमारा नाम है कलुआ, तो हम किसी को बताएंगे नहीं कि मेरा नाम कलुआ है।
ठीक है, तो वहाँ पे बोलेंगे अगर मान लो मैंने वहाँ से किसी से फ्रेंड सर्कल कर ली और उनसे बोला कि भैया यहाँ मुझे रहना है और किस तरीके से रह सकते हैं ताकि मुझे दूसरा इंडियन पुलिस या फिर यहाँ की पुलिस मुझे पकड़ ना ले जाए, यहाँ की मेरे पास नागरिकता नहीं है, तो वो कहेगा ऐसा करो कि अगर आपने किसी को अपना नाम बताया ना कलुआ तो पक्का पकड़ जाओगे, बन जाओगे ललुआ, चले जाओगे जलुआ। तो ऐसा करते हैं कि सीधा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है रेडेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे हेलो हाय रेडेंस तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर पुलिस आएगी पूछेगी कलुआ किधर है तो लोग तुरंत बता देंगे कलुआ इधर ही रहता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ रेडेंस कौन है तो आपको पहली बार आपको गुमनाम रहने की अनुमति देता है। सेम है तो आपके कंप्यूटर में, अगर किसी के कंप्यूटर में आप एंटर करते हैं तो आपका डिटेल वहाँ पे शो कर जाता है, नहीं पता चल जाता है। तो अगर आप VPN के माध्यम से जाते हैं, VPN नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो यानी आप एक गुमनाम रहने, आपका नाम ही नहीं पता चलेगा अगले बंदे को। अगर आप परेशान करें किसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यानी इसके कंप्यूटर के अंदर घुस रहे हैं और VPN आपके पास है यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, तो यानी आपको वो ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि आपने VPN के माध्यम से किया। अभी देखा होगा आपने इंडिया के अंदर जो है पबजी वगैरह बहुत सारे एवेंट ऐप्स को बैन कर दिया, अगर वही ऐप्स आपको फिर से चलाना है तो आप VPN ऐप डाउनलोड कर ले, क्योंकि VPN आपको गुमनाम रहने की अनुमति देता है। गुमनाम कर देगा, पता नहीं चलेगा कि हम इंडिया से हैं, जापान से, लंदन से, चाइना से, कि कहाँ से हैं, कि पाकिस्तान से, कि बांग्लादेश से हैं। तो जब पता नहीं चलेगा तो हम, क्योंकि केवल इंडिया के अंदर बैन है, मालूम दुबई में रहते हैं तो दुबई में तो बैन है नहीं, तो वहाँ पे हम पबजी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से VPN भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। तो गाइज, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं वीडियो को, ताकि लोगों को ये पूरी जानकारी क्लियरली पहुँच सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाँ शेयर।